सो हेलो गाइस, आज के सिनेमेटिक में मैं आप सभी को कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करने को सिखाने वाला हूँ, वो भी लाइटरूम ऐप की मदद से। सो गाइस, हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह से मैं फोटो एडिटिंग करने का वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस आपको अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इस शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से अपने फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन पे ऐड कर लेंगे। तो गाइस आपको अपने फोटो का लाइटरूम एप्लीकेशन ऐड कर लेने के बाद आपके यहाँ से अपने फ़ोन पे लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपके यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस आपको यहाँ से सबसे पहले आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से सिंपली इस टेम्परेचर टूल पे क्लिक करना है एंड आपके यहाँ से हाइवेंस को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। देन आपके यहाँ से स्लाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपके यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को हम इंक्रीज कर लेंगे। देन आपके यहाँ से शैडो को भी इंक्रीज कर लेना है एंड उसके बाद आपको इस टेम्परेचर टूल पर फिर से हम क्लिक करेंगे एंड आपके यहाँ से मिक्स टूल पर चले जाना है। देन आपके यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करना है एंड रेड कलर का हम सेचुरेशन को यहाँ से प्लस की ओर कर लेंगे एंड यहाँ से आपको लुमिनस को इंक्रीज कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली डन कर लेना है एंड डन कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से एक प्रीसेट सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं इस फोटो का प्रीसेट पहले से बना के रखा हूँ। तो गाइस आपको यहाँ से इस प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आपके यहाँ से इस प्रीसेट को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इस थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है एंड थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। देन आपके यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डन कर लेना है एंड फिर से आपको यहाँ से बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद आपके यहाँ से नॉर्मल फ़ोटो का आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से फिर से हम इस थ्री डॉट पे क्लिक कर लेंगे एंड आपको यहाँ से पेस सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस आपके यहाँ से टेम्परेचर टूल पे क्लिक करना है एंड आपके यहाँ से मिक्स टूल पे चले जाना है। देन आपके यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है एंड आपके यहाँ से इसका सेचुरेशन को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से ल्यूमिनस को हम माइनस की ओर कर लेंगे। देन आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड आपके यहाँ से इस टूल पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपको शार्पिन ऐड कर लेना है एंड उस नॉइस सैचुरेशन को भी हम यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को भी हम ऐड कर लेंगे। देन आपके यहाँ से कलर सैचुरेशन को भी ऐड कर लेना है एंड स्मूथनेस को भी ऐड कर लेंगे हम एंड उसके बाद आपके यहाँ से सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड ये दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑन कर लेना है कुछ इस तरह से एंड आपके यहाँ से इस फोटो को सेव करने के लिए आपको इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड अपने फोटो को हम सेव टू डिवाइस कर लेंगे। एंड आपको यहाँ से ओके कर लेना है। तो गाइस हम कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।